महंगाई का तो कहीं बीवी से लड़ाई का कहीं आटे के रेट का तो कहीं ना घटते वेट का हम क्राइसिस में घिरे हुए हैं पच्चीस साल से तो मैं सुन रहा हूं कि यार हम ना हिस्ट्री के बड़े ही नाजुक मोड से गुजर रहे हैं मतलब अभी कुछ भी हो सकता है लेकिन एक चीज है जिसके आते ही महबूबा से लड़ाई अम्मी की पिटाई, टीचर के के ताने और दानों के बहाने हम सब भूल जाते हैं क्या है वो चीज कर सकते हैं क्रिके! क्रिके! यार, मारी, लो समझ ही नहीं लेकिन क्रिकेट को एक क्रेडिट देना तो बनता है चाहे पूरे दिन का ओडीआई हो या तीन घंटे का टी ट्वेंटी हम अपनी जिंदगी के सारे मसले भूल जाते हैं और ये यूनाइटेड ये पीडीएम की तरह यूनाइटेड होकर बैठ जाते हैं और चाहे वो चाय की दुकान हो बार बार शॉप या कोई पेट्रोल पंप हर तरफ क्रिकेट का तजिया तनकीद हो रही होती है मतलब इन तीन घंटों में ना कोई सिंधी ना कोई पंजाबी ना कोई पठान हम सब पाकिस्तानी अरे जैसे ही छक्का लगता है ग्राउंड में तो ऐसे लगता है जंग जीत लिया और मतलब क्रिकेट मैच हार जाएं तो फिर तो हमारे तजी हमारी तनकीद ओ छक्का क्यों लाया ओ छक्का क्यों नहीं लाया ओ विकेट बांधी नहीं सी मतलब हर बंदा जर्नलिज्म है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आ जाता है सबसे ज्यादा मुश्किल होता है मैच के दौरान जब अम्मी की आवाज है और जा दही लगे मतलब यार घर वालों को भी एन मौके पर चीजें याद आ जाती हैं लेकिन अब तो क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है भाई टेस्ट मैच को रिप्लेस कर दिया ओडीआई ने ओडीआई को रिप्लेस कर दिया टी ने यहां तक के सुपर सिक्स तक बात आप पहुंची है हमारी क्रिकेट अनप्रिडिक्टेबल है ये कभी भी कुछ भी हो सकता है हारा हुआ मैच जीत जाते हैं जीता हुआ मैच हम हार जाते हैं बंदा क्या करे इसलिए तो जो दिल के मरीज पाकिस्तान में उनको क्रिकेट मैच नहीं दिखाया जाए तो अच्छा है लेकिन हम इतने भोले लोग हैं कि हम किसी भी इवेंट के फाइनल तक पहुंच जाए तो हम उसे 1992 के कप से रिलेट कर देते हैं और हमारे क्रिकेटर्स भी कमाल है कुछ तो क्रिकेट से अच्छी टिकटॉक्स बनाते हैं और जो बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेल जाए उनको हम पाकिस्तान का पी बना देते हैं है? नहीं नहीं अरे। मैच में सिक्सर से ज्यादा तो उस कैमरामैन को पसंद करते हैं जो हजारों चेहरों में से एक खूबसूरत चेहरा ढूंढ लेता है और हमारे बॉयज तस्वीर के बाद सीधा टक प्रोफाइल ढूंढ लेते हैं एक सेकंड नहीं लगाते हैं इनको कोई और काम कह दो तो इनसे होता नहीं है लेकिन ग्राउंड के अंदर कोई पिक्चर वायरल हो जाए उनको प्रोफाइल दस्ती मिल जाती है मतलब इतनी मेहनत जो हम जिंदगी में शायद किसी काम पर ना करें बट मैच में जाते वक्त प्ले कार्ड ऐसे ऐसे हम लेकर जाते हैं कि क्या बताएं आए कुछ ऐसे प्ले कार्ड्स देखते हैं माशाला मतलब अंकल आंटी कह रहे होंगे बेटा हमारे प्यार में क्या कमी थी जो तुम्हें रिस्पॉन्सॉप्ट होना है मतलब क्रिएटिविटी है क्रिएटिविटी सोच के एक एक मैं कहता हूँ कि जाने से पहले क्या ऐसी चीजें माइंड में आ रही थी जिसकी बेस पे ऐसे ऐसे प्ले कार्ड बन जाते हैं लेकिन अल्लाह तला इनके और इनके पेरेंट्स का रिलेशन बेहतर करे आगे आओ अकमल यू हैव माई हार्ट डोंट ड्रॉप इट जे हूं कामरान अकमल की गल हो रही है ना तो यू नीड अ न्यू हार्ट माशा कामरान भाई तो फिर आपको पता है एक्सपर्ट है आगे आओ इवन आई कैन स्कोर अंड्रेड ऑन दिस विकेट पक्की पिंडी गिंडी दिच है मतलब ऐसी पिच हमारे पास ही है हम हम क्योंकि एंटरटेनमेंट देनी है यार इतना स्ट्रेस है पिंडी की पिच बना दो हर बंदा स्कोर तो स्कोर करी जाए कोई मच्ला ही नहीं क्रिकेट पर बात हो रही है तो आज हम बुलाने जा रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेट स्टार को जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है इन्होंने सोलह साल की उम्र में ही अपने करियर का आगाज किया इन्होंने अपने करियर में 500 से जायद मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की 11,000 से जायद रन बनाए और 540 से ज्यादा विकेट हासिल की बहुत सारे लोगों ने क्रिकेट सिर्फ इनकी वजह से देखना शुरू की जब तक ग्राउंड में रहते थे तब तक उम्मीद बनी रहती थी आंखें जमी रहती थी आवाम थमी रहती थी और मुखालिफ टीम की जीतने की उम्मीद खटी रहती थी इनके आउट होने पर तमाशाई ग्राउंड छोड़ के चले जाते थे ये वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने जमीन पर कम और आसमान में ज्यादा खेला है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा छक्कों की बारिश करने वाले हम सबके प्यारे लाला बूम बूम शाहिद खान आफरी शायद भाई ये प्यार ये मोहब्बत मुझे लगता है कम ही पाकिस्तानियों को इतनी इतना प्यार इतनी मोहब्बत मिली है सबसे पहले तो बताएं कैसा फील कर रहे हैं मैं इन सारे बच्चों के लिए जितने भी यहाँ पे बैठे हैं इनके लिए दिल से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इनको इस दुनिया में भी और आखिरत दोनों में इसी तरह इज्जत दे के रखे जो दूसरों को इज़्ज़त देते हैं अल्लाह उसको इज़्ज़त देता है तो थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू तो शायद भाई हमारे इस शो में कुछ बातें होती हैं हंसी मजाक की बात बहुत सारी शतानी भी होती है सुना है नहीं इतनी नहीं थोड़ी थोड़ी लेकिन हम हमारी कोशिश होती है कि हम हमारे जो गेस्ट हैं उनकी जिंदगी से कुछ सीखें भी क्योंकि यूथ ज्यादातर हमारा शो यूथ देखती है यहाँ पे भी हमारे साथ बैठे हैं पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में भी देख रहे हैं और साथ कुछ गेम सेगमेंट्स होते हैं okay. सबसे पहले तो सवालों का सिलसिला मैं शुरू करूंगा। ये लोग भी बेताब हैं आपसे सवाल पूछने के लिए, अच्छा, लिए क्योंकि मैं जब मुझे किया था, तो मैं अंडर नाइनटीन से निया गया था भाई है ना मुश्ताक अहमद बिल्कुल वो इंजर्ड हो गए थे तो मैं एज अ बॉलर गया था लेकिन मुझे नहीं पता था कि अल्लाह के प्लान कुछ और तो वो खैर बैटिंग के अंदर एक अल्लाह ने ऐसा रिकॉर्ड बनवा दिया था कि उसके बाद अपने आप को बॉलिंग से हटा के बैटिंग क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी बैटिंग में तो बैट्समैन तो नहीं था आठवें नवे नंबर पर बैटिंग करता था लेकिन उस चीज़ को चेंज करना मेरे लिए मुश्किल भी था लेकिन ये था कि एटलीस्ट एक, एक चैलेंज सामने था और लाइफ के अंदर चैलेंजेस होने चाहिए और अलहमद ला जितना हो सकता था मैंने इन लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लिया जितनी भी देर के लिए आता था टीवी पे बैटिंग कर दें जो हो सकता था जो टैलेंट होता था उस हिसाब से खेलता था और बेहतर कर सकता था इसको लेकिन जितनी देर के लिए आते थे, हमारी हमेशा धक धक मुझे क्रिकेट को एंटरटेनिंग जिस इंसान ने बनाया वो ये जिसके लिए वो पिच से बाहर जा रहे होते थे तो हम देखते थे पूरा स्टेडियम ही खाली हो जाता था तो ये शायद खान अफरीदी आपके लिए शायद भाई कोई अंडर नाइनटीन की मज़ेदार कहानी सुना दे अंडर नाइनटीन की आगे की नहीं अंडर नाइनटीन पहला हमारा टूर था तो वेस्ट इंडीज़ हम लोग गए थे मैं था उसमें हमारे साथ अब्दुल रजाक मोहम्मद वसीम और कुछ आद प्लेयर्स और थे फजल अकबर ये सारे वो प्लेयर्स थे जिनके साथ अंडर नाइनटीन एंड देन पहला ट्रेवल था वेस्ट इंडीज़ गए वेस्ट इंडीज़ के अंदर उन्होंने हमें अब पहली दफ़ा घर से निकले हैं यार अब घर से निकल के हमारी पाकिस्तान या कराची से मेरा ताल्लुक है क्योंकि कराची रहा हूँ वहां पे जो चिकन पीसेज होते हैं वो इतने इतने से साइज के होते थे तो वहाँ फर्स्ट टाइम हमारे सामने इतने बड़े बड़े चिकन आ तो नहीं है बाकी कुछ इस तरह के एपिसोड्स हैं जो मैं समझता हूँ सेंसर सेंसर लेकिन लाला सारे आपस में दोस्ती यारी भी हो फिर एक यंग टीन भी हो तो प्रैंक फ्रैंक तो एक दूसरे पे बहुत पुल ऑफ करते होंगे आप लोग थे कुछ इस तरह के प्लेयर्स थे जो बड़े शार्प माइंडेड थे और मेरे ख्याल में जो पंजाब के लड़के होते थे ना पंजाब क्योंकि अंडर नाइनटीन में हर सूबे से लोग गायब हुए होते जो पंजाब वाले थे ना ये खासतौर पर फैसलाबाद वाले जो झुकते इनकी तो है लेडीज भी बड़ी अच्छी झुकते मारती हैं तो लाला आपकी जो 37 बॉल्स पे सेंचुरी थी वो सचिन तेंदुलकर के बैट से

तो उन्होंने लेकिन मुझे किस्मत अच्छी थी कि हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे थे उन्होंने बड़ा ख्याल रखा जो टैलेंट आता था उनका ख्याल वो रखते थे उन्हें रखना आता था कि किस लड़के के अंदर कितनी क्रिकेट है कितनी अच्छा, खेल सकता है अच्छा तो हमारे म, मैं बहुत लगी था कि हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे थे अच्छा लाला मुझे ये बताएं पता नहीं इस बात में कितनी हकीकत है कि नहीं है हमने सुना है कि आप प्रवोक बड़ा करते थे गौतम गंभीर को खुद क्या ये सच है यार क्रिकेट के अंदर ये चीजें चलती रहती हैं सिर्फ गौतम की बात नहीं उसको बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वो हाइप हो हाँ, गया हाँ, बहुत ज्यादा है अच्छा वो डिफरेंट किस्म का कैरेक्टर है वो आम प्लेयर्स से थोड़ा सा डिफरेंट है उसकी रेपुटेशन इंडियन टीम में भी उसी तरह की ही है अच्छा हाँ मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं था कि मेरे साथ वो अब मैं समझता हूँ चले प्रोग्राम में कोई और पॉजिटिव बातें करते वीर की कोई पॉजिटिव बात बता दे बड़े कम इंडिया के ऐसे ओपनर बैट्समैन मैंने देखे जिनकी इतनी जबरदस्त टाइमिंग है बैटिंग के अंदर बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है क्रिकेट पे नो डाउट क्रिकेट में क्रिकेट क्वालिटी अच्छा आई थिंक उनकी बहुत, बहुत, अच्छा बहुत... तो एक और चीज आज हद कर दी में आप देख रहे हैं कि लाला से सारे स्टोरीज तो सुन ही लेते हैं कि लड़ाई किस तरह हुई आज लाला गंभीर की जो क्रिकेट है क्रिकेट टैलेंट को अप्रिशिएट करते हैं आप लाला तो वो क्रिकेट जिस मर्जी दुनिया में हो जिस मर्जी मुल्क का जो अच्छा क्रिकेटर है उसको अप्रिशिएट बिल्कुल करना चाहिए बिल्कुल जिस तरह हमारे मुल्क में आई थिंक विराट के बड़े फैन सबसे के, के 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 I mean। सब पहले तो हम सचिन भाई का शुक्रिया अदा कर दे आपने वो बैट दिया आगे भी हमारे जितने बच्चे हैं उनको भी आप अपने बैट दे नॉट दैट हाँ। उसकी वजह से होता है लेकिन मुझे पता चला कि उस बैट से जब वो खेलता तो जीरो पे भी आउट हुआ है भाई आप, आप ही अंदर की बात बता दें मेरी जिंदगी में पर्सनली जो एक ऐसा क्रिकेट का इंसिडेंट है जो आज तक अगर मैं याद करूं तो एकदम को दर्द सी नहीं होती खिंच पड़ जाती है वो वो okay. वो 2011 जो भाई भाई खेल रहे रहे थे अच्छा मैं ये समझ कि तुम कोई अपना लड़की का वाक्य सुना हो नहीं शायद भी मैं बताता हूँ लेकिन वो बताए और उसके बाद काफी देर लोगों ने मिसबा भाई पर भी बात की कि अगर उस वक्त वो किसी और तरह खेलते तो शायद वो वर्ल्ड कप हमारा हो जाता ऑन ग्राउंड असल में क्या गेम थी क्योंकि दुनिया ने तो सारा दुनिया के मुताबिक तो ये रीज़न था देखिए हमारी एक तो फील्डिंग हमने 2011 में ही कप्तान था उसमें और आ, मेरे ख्याल में हमने बॉलिंग ज़बरदस्त बॉलिंग की बड़े अच्छे स्पेल वहाब रियाज की तरफ से भी आए हमने उनको 180 पे आउट करना था लेकिन 180 पे आउट नहीं कर सके फील्डिंग क्योंकि फील्डिंग का रोल हमेशा से क्रिकेट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहा है पाँच छः कैचेज़ छोड़े हमने और फिर हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वन एटी में आउट कर देंगे तो फिर वो स्कोर भी बड़ा हो गया था लेकिन ये था कि हमने अच्छा स्टार्ट किया देखिए मिसबा की परफॉर्मेंस उस पूरे वर्ल्ड कप में बहुत ज़बरदस्त थी आई नो कि मिसबा को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस चल रही थी लेकिन मिसबा वहाँ पे कह सकते हैं कि प्लेयर है सिचुएशन को रीड नहीं कर पाया कि हमें इसको और किस तरह उसका अपना प्लान था खेलने का कि हम बाद में कवर कर जाएंगे लेकिन विकेट के पीछे विकेट गिर रहे गिर रही होती है तो मुश्किल हो जाता है तो आई मीन के हर एक लड़के ने कोशिश की कोई इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी हर लड़के ने

Uh, मोमिन भाई सवाल मेरा शाहिद भाई से है वैसे मैं फैन आप दोनों का हूँ कर लो थोड़ा माइक करीब शाहिद भाई क्वेश्चन मेरा आपसे ये है 2014 में जब एशिया कप हो रहा था तो पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच खेल रहा था तो बार बार विकेट्स पर विकेट्स गिरती जा रही थी लेकिन आप पिच के ऊपर खड़े थे और लास्ट ओवर था 10 स्कोर चाहिए था अश्विन बॉल कर रहा था और पहली बॉल पे सईद अजमल आउट हो गए आपके बिल्कुल सामने उसके बाद दो छिक्के आपने लगा दिए उसी ओवर में तो शाहिद भाई उस वक्त हम लोगों के सामने तो आपने बड़े आराम से दो छिक्के लगा दिए हमने देख लिए ले, लेकिन उस वक्त आपकी जो सिचुएशन थी वो ग्राउंड में वो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अपनी मैं बैठ के नहीं सुन सकता क्योंकि ये टीवी पे भी जब देखता ना लाला वही बात है ऐसे लगता है कि कोई दिली मामला हो गया नहीं नए नाम पहले तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नंबर प्लेट आपने जो है ना अपनी शर्ट पे लगा ली है थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच अच्छा वो सवाल बिल्कुल ठीक था क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था लोगों को नजर नहीं आ रहा होता कि हमारे ऊपर से अंदर से क्या गुजर रही होती है अगर मैं नेगेटिव थॉट्स लेके आता तो फिर मेरे नहीं ख्याल के मैं कर पाता लेकिन मैं वहाँ पे पॉजिटिव ही था अल्हम्दुलिल्लाह तो जिसकी वजह से पॉजिटिव रिजल्ट आया अच्छा लाला अगले सवाल से पहले उसके बाद वो जब इतनी बड़ी इतनी बड़ी जीत थी उसके बाद हफ्ते तो खबे चले होंगे सेलिब्रेशन रोटियां बकरे आ रहे हैं मतलब उसके बाद वाला हफ्ता क्या था नहीं नहीं उसके बाद ये था कि हम लोग होटल के नो डाउट बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मैच जीते आ, उसके बाद जो हमारा दो दिन के एक दिन के बाद एक और मैच था वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच था वो अगेंस्ट इंडिया बंग्लादेश था बिल्कुल सही वो वहाँ पे पचास बॉलों पर मेरे ख्याल में सौ रन चाहिए थे और हमारे ऊपर से आउट हो गए थे तो वो मैच उससे भी ज्यादा बड़ा था मेरे लिए इसलिए कि वहां बांग्लादेश के क्राउड में खेलना और वहां तो बांग्लादेश चाह रहे थे कि हम किसी तरह पाकिस्तान से जीत जाए उनके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है विक्ट्री थी तो वो मैच की परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि देखिए क्रिकेट के अंदर अच्छे दिन बहुत कम आते हैं और अच्छे दिन वैसे भी आप लोगों का पता है कि अच्छे दिन जल्दी गुजर जाते हैं मुश्किल दिन नहीं गुजरते जब हम परफॉर्म नहीं करते थे ना तो हमारे बस यार कब अगला मैच होगा कब अगला मैच होगा तो वो हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते थे तो ये है कि वो फिर नेक्स्ट बांग्लादेश से मैच हुई उसमें बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही तो डे बाई डे एन्जॉय करते रहते हो चीजों अगर अच्छा होता है तो आप इंजॉय करते हो नहीं करते तो फिर हम कोशिश करते कोई, हैं कोई, कोई एक एक स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ सेलिब्रेशन होता था कि जब कोई बड़ा मैच जीते थे तो बॉयज सारों ने कोई एक रेस्टोरेंट जाना या एक किस्म की डिश जानी है हाँ इस तरह होता था एक टीम वो उसी वक्त जाती थी जब मैनेजमेंट अरेंज करती थी लेकिन जब लड़के अपने होते थे तो जो जिन लड़कों की जिनके साथ अंडरस्टैंडिंग है पाँच छह लड़के एक ग्रुप हो गया पाँच छह लड़कों का दूसरा ग्रुप हो गया वो अपने अपने जाते हैं रेस्टोरेंट इन्जॉय करते हैं पूरे दिन बे नॉट

मार क्यों जाऊंगा सर वो आप इतने स्पिरिट में होते थे जब मैच हो रहा होता था आप कह रहे थे हम जीतेंगे ये होने वाला है ये तो, वो वो मोमेंट सब होते तो हैं सोचो अगर लाला के टाइम पे मैं जाया करता तो मैं बाकी बार जाता ये शुक्र है कि मेरी बारी में आपको ये ख्याल नहीं है कि मर जाएगा <laughs> मैं तो बहुत जल्दी होता था सर एक्चुअली जब आप खेल रहे होते थे तो मेरा क्वेश्चन भी है ये कि जब आप खेल रहे होते थे, तो मैं पिच पे मतलब जिस तरह होते थे टीवी तो के करीब जाके ना इस तरह करती थी लाला प्लीज छक्का मार दो प्लीज छक्का जिस ने? तरह ये लाला प्लीज सोचो लाला भी स्टेडियम में आवाज से आ रही है <laughs> अच्छा अब ये ना बच्ची ने सवाल किया है ना कि छक्का मार दो मैं ग्राउंड जब भी अंदर जाता ना उससे पहले मैं सोचता था हमेशा कि मैं जाके पाँच छह बॉले आराम से पहले खेलूंगा

Thank you, thank you. पूछते हैं लाला अच्छा से? इस तरह की आवाज़ तो नहीं आई लेकिन ये था कि लाला खुदा के एक जो पूरी ऑपोजिट टीम को एकदम उनके रंग चेंज उनका मूड चेंज कोई ऐसे हो रहा है कोई कैप्टन ने रोक दिया फील्डिंग इधर आओ तो आपको खुशी होती थी कि मेरी दहशत इतनी है अच्छा जब हम इंडिया का टूर करके आए थे काफ़ी उनको मार के आए थे हम जीत के आए थे तो विरा अनिल कुंबले मुश्ताक मुशी भाई के साथ बात कर रहा था तो मुशी भाई को अनिल कुंबले कहता है कहता है यार ये किस किस्म का प्लेयर है यार ना इसको अपनी इज्जत की फिक्र है ना हमारी फिक्र है <laughs> <laughs> देखिए खेल और खेल अपनी मर्जी का ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता देखिए होता मैं बताऊँ आपको चीज़ें क्या होती हैं हम गोरे कोच को या बॉब वुलमर को हम क्यों हाईली रेट करते थे एज अ कोच उसकी वजह थी बड़ी कि वो आपको आपकी स्ट्रेंथ पे रहने देता था अब मैं अगर मुझे अल्लाह ताला ने एक चीज़ की सलाहियत दी थी तो मुझे मेरा कोच बैठ के ये कहता था कि यार लाला आप आराम से खेला करो आप पहले सिंगल डबल किया करो ये किया करो अच्छा ये एक कोचिंग है एक कोचिंग ये है जो बॉब वुलमर करता था कि लाला यार बहुत ज़बरदस्त छक्का मारा है तुमने चाहे एक मारा होगा लेकिन वो आके मुझे गिरने नहीं देता था वो मुझे मेरी स्ट्रेंथ पर रहने देता था अब मैं जब पाकिस्तानी कोचेज़ के बीच में खेलता था मैं बैटिंग करने जाता था तो मैं ये सोचता था कि यार मैं अगर आउट हो गया तो फिर कोच फिर मैच के बाद बाहर बैठ के मुझे बातें करेगा बताएगा तो वो उस चीज़ का प्रेशर मेरे ऊपर हमेशा बहुत रहा है तो बॉब वुलमर के टाइम पर अगर हम आप, आप हमारे मेरी इंडिविजुअल या एज अ टीम परफॉर्मेंसेज देखें तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस हैं तो इस ऑल माइंडसेट मैन मैनेजमेंट जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान टीम में मैन man मैनेजमेंट की जरूरत है कोचिज की नहीं अपने है इर्द गिर्द के लोग आपको हमेशा अपलिफ्ट करें तो वही सही रहता है अब वही वही ज़्यादा बेहतर है लेकिन मेरा तो घर में भी प्रेशर रहता था <laughs> आते थे बेटी बाबा फिर जीरो पे आउट हो गए अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज बिरियम फातिमा एंड आई एम फ्रॉम बीएस इंग्लिश आई वांट टू आस्क यू दैट पीएसएल की आप ऑलमोस्ट हर टीम से खेले हैं और लाहौर की टीम से नहीं खेले नहीं। आप और उसमें तो, इतने जीत रही पर उसमें तो शाहीन और इतने अच्छा सवाल था हर टीम से खेले लाहौर से खेले तो लाला ने बता दिया की शाहीन की ड्यूटी मैंने लगाई हुई है ले जी आखिरी सवाल भाई जान शायद भाई 1998 में एक छे साल का बच्चा था आपने टोरंटो में जब सेंचुरी की थी आपका फ़ैन बन गया था आपने थोड़े से बाद चेन्नई गए वहाँ पे आपने 141 किया इंडिया के खिलाफ वो और बड़ा फ़ैन हो गया आपका फिर आपने तीन साल बाद इतने बड़े फैन हो हो गए यार तो तीन तो साल बाद, बाद आपने न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ सेंचुरी बनाई और बड़ा फ़ैन हो गया आप हाँ। दो में कानपुर में इंडिया के ख़िलाफ़ आपने फिर 45 गेंदों पे सेंचुरी बनाई और बड़ा फ़ैन आप आगरा में तो नहीं है आपके जल्दी आउट होने पर रोते भी बहुत थे hmm. लेकिन जब आपने दो हज़ार नौ में सेमीफाइनल और फाइनल में टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में फिफ्टी बनाई तब खुशी के आंसू बहुत ज़्यादा रोए थे टू थाउजेंड की बात है मैंने ट्वीट किया था कि शायद भी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं एक दिन आपसे मिल सकूँ और आपको बता सकूँ फ़ेस टू तो फेस कि मैं आपका कितना बड़ा फ़ैन हूँ और यार आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार इतने बड़े फैन हो गए तुम रो रहे हो यार कैसे हो लाला ये यारियत है, है। ये आ जो, आ जाओ जाओ और बाकी सेहत से भी लग रहे हो काफी बड़े फैन हो मेरे यार तालियां यार ये वही बात है इज्जत और प्यार वाली शायद भाई मुझे पता नहीं कितनी बार ये ख्वाब आया कि मैं आपके साथ खड़ा हुआ आपको बता रहा हूँ और मैं आपका कितना बड़ा फैन हूँ और मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे आपको कैसे वो ख्वाब पूरा हो गया तो मैं आपको एक बात बताऊँ बात ये बात ये है कि आप फैन ही जो हैं जो जिनकी वजह से शायद अफरीदी शायद अफरीदी है ठीक है अगर आप लोग ना होते हमारी जिंदगियों में अगर, अगर आप लोग हमारी जिंदगियों में ना होते तो हम क्या करते ये पता है आप की आप लोगों की ये मोहब्बत ही तो हमें आगे लड़ना सिखाती है किसी भी फील्ड में शायद भाई मैं अकेला नहीं हूँ इस दुनिया में लाखों ऐसे लोग हैं जो आपके इतने बड़े फैन हैं जिनकी शायद जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश मेरी तरह यही है कि हम शायद भाई से एक बार मिल सकें ये जहले हैं तो ये जहले है आपके शायद भाई थैंक यू सो मच तो शायद भाई थैंक यू मिलियन थैंक यू और लेकिन तुमने बचपन से मुझे देख रहे हो तुम्हारी उम्र तो मुझसे ज्यादा लग रही है इतना बचपन कर दिया मुझे यार मैं इतना बूढ़ा तो नहीं हूँ शायद भी यही चीज़ें आपकी हमें इंस्पायर करती है कि मैं आपसे शायद पंद्रह सोलह साल छोटा हूँ लेकिन देखने में पंद्रह सोलह साल बड़ा लग रहा हूँ हाँ हाँ ये सही कहा खुश रहो चलो अब ध्यान से घर जाना रास्ते में किसी से ज्यादा बात ना करना कोई कुछ खाने को दे तो बिल्कुल बात नहीं करनी ठीक है और ये हाथ धोना नहीं अब कुछ टाइम ये कपड़े भी ना चेंज करना थैंक यू सो मच वेलकम बैक वेलकम बैक मैंने तो ब्रेक में जल्दी से चाय वाय पी ली आपने क्या किया हमें कॉमेंट में बताएं लेकिन उतनी देर हम शो वापस आगे लेकर चलते हैं भाई अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं Please. जिसका नाम है पिक्चर सेगमेंट अच्छा हम आपकी कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे और हम जानना चाहेंगे क्योंकि हम तो उन पिक्चर्स में है नहीं अच्छा. कि स्टोरी क्या है इनके पीछे okay, लगाए जी माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात हुई कोई शादी का मशवरा दिया सलमान भाई को एक तरफ पाकिस्तान है दूसरी तरफ इंडिया है तो हम चाह रहे थे कि कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान और इंडिया की रिलेशनशिप बेहतर हो। बिल्कुल, बिल्कुल। सलमान डूइंग ग्रेट जॉब माशाल्लाह से आ, जो इनकी फाउंडेशन लेके चल रही है वो भी बड़े जबरदस्त काम human. करती है और अल्लाह ने इस बंदे को जो है ना बड़ा खूबसूरत दिल, दिल दी है बहुत ही प्यारा इंसान है भाई ये ये ये, पे, हाजी पे, ये, ये, स्टोरी, ये वाली स्टोरी तो सुना दे। ये मुलाकात कैसे हुई क्या बात हुई अच्छा दो अच्छा 2011 का वर्ल्ड कप जब सेमीफाइनल हम हारे तो मैं कमरे में आया हूँ तो ये फिर मेरे पास सीधा कमरे में ही आ गया तो मेरी पहली मुलाकात थी आया बैठा गपशप लगाई इसने टीम की परफॉर्मेंसेस की बड़ी तारीफ की बड़ा अच्छा खेले हो आप लोग ये वर्ल्ड कप तो वहां से सलाम दुआ एंड देन फिर उमरे पे गए थे मैं गया था ये भी अपनी वालदा को लेके आया था और मौलाना तारिक जमील साहब को मिलना था फिर मौलाना साहब के को मिलाना था मैंने इनसे फिर वो ये वहीं की तस्वीर है अच्छा आ, आपने मौलाना साहब से इनकी मुलाकात करवाई थी अच्छा वो शाहिद भाई थे वो जो बड़ी दो हजार ग्यारह में न्यूज सर्कुलेट हुई थी तो ये आई डोंट थिंक ये लोगों को पता है कि वो मुलाकात करवाई आपने थी जी जी मौलाना साहब तो इस पे भी तालियां वाकई बनती फ्री से

आप लोग सारे हीरोज हैं हीरो बस ये उस, उसी टाइम की यह तस्वीर है बस इसमें और मैं क्या पीछे पा रही है अच्छा शाहरुख खान की स्टेटमेंट है कि हर लड़की मुझसे पूछती है कि भाई तुम अफरीदी के सामने कुछ नहीं हो देखे ये दुनिया कह रही है इतना बड़ा झूठ बोलता है लगाए जी नेक्स्ट हेलो अरे शायद भाई बस यहाँ पे जो है ना यहाँ जिंदगी जो है ना वो बस ये जो खुशी है ठहर गई आप माशाला देखिए ये स्माइल ये खुशी और ये हार ये देखें <laughs> क्या कहूँ मैं अच्छा ये क्योंकि देखें लाइफ का जो ना जो गुड चेंज होता है ना चेंज अच्छा चेंज हमेशा अच्छा रहता है लाइफ, लाइफ एक तरीके से नहीं रहती सोलह साल की अपनी लाइफ है उन्नीस साल की पच्चीस साल की तो लाइफ चेंज होती है और होनी भी चाहिए वक्त के साथ साथ अब इस उम्र में अगर हम कोई सोलह सत्रह साल वाली हरकतें करें तो अच्छा भी नहीं लगेगा वो भी लेकिन ये था कि मैं खुद चाहता था कि जल्दी शादी हो लाइफ डिसिप्लिन हो और वालदेन से कहा कि मेरे लिए अजी आप लड़की देखना शुरू अच्छा वालदेन की तरफ से मेरी माँ बाप की इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो माँ बाप की चॉइस होती है हम 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 कभी कभार हमें ये लगता है ना कि हम ये उम्र जो है ना 18 17 18 से लेकर 23 24 इसमें हमें अपना आप अप सबसे ज्यादा अकलमंद लग रहा होता है और सामने वाला बेवकूफ लगता है ठीक है लेकिन बड़े बड़े ही होते हैं वो डिग्रियों से बड़े नहीं बनते वो जिंदगी के एक्सपीरियंस से बड़े बनते हैं जिंदगी का जो एक्सपीरियंस है वो डिग्रिया उनके सामने कुछ भी नहीं है तो बड़े जो फैसला करते हैं जो चीज करते हैं वो मैंने कहा अगर ठीक नहीं होगा तो दूसरी कर लेंगे <laughs> ये भी ठीक है ये भी ठीक है लेकिन आई एम वेरी लकी अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं शायद भी इसका नाम है तोले बगैर बोलो अच्छा हमें एक स्टेटमेंट दूंगा इस पे आपने बताना है कि ये सही है गलत है या फिर कोई भी जवाब जो आपके जहन में आता है तैयार है जी पाकिस्तान टीम की तरफ से प्रोड्यूस किया गया सबसे खतरनाक बॉलर आज तक कौन है एक का नाम लेना बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी क्योंकि आपने एक ही कह रहे हैं वसीम अकरम। वसीम भाई ये आज तक क्या आपको लगता है सबसे वसीम खतरनाक भाई बहुत खतरनाक बहुत नेचुरल थे जिस फास्ट बॉलर को ये पता हो कि नया बॉल उसका अंदर आएगा कि बाहर जाएगा वो समझो बॉलर बहुत बड़ा है सिर्फ एक नहीं मोहम्मद आसिफ का भी नाम ले सकता हूँ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं हमारे पास विक्की भाई हो गए रिवर्स स्विंग के मास्टर उमर गुल है आउटस्टैंडिंग शेब अख्तर दुनिया के बैट्समैनों को हिलाया उस बंदे ने मोहम्मद आमिर भी मोहम्मद आमिर नो डाउट ये सारे जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं चाहे वो शहीन है चाहे वो, वो हारिस है चाहे वो जमान है ये वो बच्चे हैं जो माशाल्लाह है, इनके अंदर टैलेंट है बहुत अच्छा टैलेंट है वेरी नाइस आपके टाइम में टीम का सबसे बड़ा बदमाश कौन था टीम का सबसे बड़ा बदमाश अच्छा उस वक्त आप पूछ रहे तो हम खुद भी थे नहीं नहीं तालियां बजती है भाई 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 दे कभी आपको कोई फाइन शाइन की टेंशन नहीं होती थी जब गुस्सा चढ़ गया तो चढ़ गया फिर ये नहीं आपने ग्राउंड में ना, फाइन हो जाएगा या ये वो क्योंकि अच्छा ग्राउंड वाले फाइन मुझे बड़े कम हुए हैं हुए, लेकिन बड़े हुए अच्छा। जैसे मैं बॉल को सेफ समझ के खाने <laughs> वो एक ऐसा फाइन था कि ये अच्छा बिस्किट भी रखे एक ऐसा इंसिडेंट था कि बंदा कहता यार मैंने क्या किया क्यों किया था लेकिन वो बस मैच जीतना था मैंने पागल हुआ हुआ था पाकिस्तान के लिए कुछ भी पाकिस्तान के लिए क्या ये देखे पाकिस्तान के लिए कुछ भी, भी। आप देखिए ना सारी गेम परसेप्शन परस्पेक्टिव और वो नीयत के एंड में यार मैं आपको एक मोमिन एक बात बताऊं हम दुनिया के बहुत ट्रैवल करते हैं बाहर जाते हैं ना आप यकीन करें मैं हल्फिया कसम खाता हूं कि दुनिया के नक्शे पे ऐसा मुल्क नहीं है कोविड हुआ था नाइनटीन के अंदर पूरा पाकिस्तान बंद था तो मैं मुझे पूरा पाकिस्तान घूमने का मौका मिला मैंने सिंध से सफर शुरू किया फ्लाइट तीन ही कैंसिल हो रही थी सारी बंद थी फ्लाइट तो मैं वजीरस्तान कश्मीर आ, पंजाब पूरा घूमा और आप यकीन करें इससे खूबसूरत मुल्क और कुछ नहीं है मैं आई डोंट नो कि हम आके अपनी सियासत के लिए कभी दीन के नाम पे कभी सियासत पे इस मुल्क को ही क्यों नुकसान पहुंचाते हैं मुझे ये बताएं सिर्फ इस मुल्क का हम पे इतना एहसान है कि हम हम मैं लकी हूँ कि मैं मुझे इस इस जैसे मुल्क में मेरी पैदाइश हुई अलहमद लेकिन हम इस मुल्क को ही क्यों निशाना बनाते हैं क्या प्रॉब्लम क्या है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए कि हमें दूसरों को देखना छोड़ दें क्या कौन वज़ी अजम है कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा मैं क्या कर रहा हूँ एज अ पाकिस्तानी मैं क्या रोल अदा कर सकता हूँ वो सब मुझे कभी कभार लोग कहते हैं क्या तुम सियासत के लिए फाउंडेशन कर रहे हो

हम क्या करते हैं हमारे घर के बाहर अगर कुछ गंद होगा हम साफ नहीं करवाएंगे कि वो यार मैं पंद्रह हजार लगा दूं फायदा तो दो और भी ले लेंगे ये सोच खत्म करनी पड़ेगी और अपनी कैपेसिटी में करना पड़ेगा तो शायद भाई की इस बात को वाकई समझना जरूरी है और अप्रीशिएट करना भी जरूरी है तालियां अच्छा थोड़ा सा थोड़ा सा इसके अंदर और क्योंकि हम लोग जिस माशरे में रहते हैं हमारे इर्द गर्द ऐसे बहुत मजबूर लोग रहते हैं ऐसे बहुत सारे सफेद पोष लोग रहते हैं आप यकीन करें आप सिर्फ एक फैमिली को पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं दे रहा सिर्फ एक फर्द की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दें उसका सहारा बनना शुरू कर दें अल्लाह ताला आपके ऐसे मौके पे मदद करेगा जब कोई भी नहीं होगा ऐसे मौके पे आपकी मदद करेगा अच्छा अगेन ये मेरी तरफ से नहीं है ये मेरी टीम ने डाला लेकिन चले मैं दुनिया का वाहिद ससुर हूँ जो धमाद से भी ज्यादा है। <laughs> 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 ये मैंने उसको बता दिया है और अच्छी बात ये थी कि उसको पता भी है क्या <laughs> <laughs> क्या बात है? क्या बात है 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 भाई आपके पास, course, है आपके पास पास ऑफ़ कोर्स हमें पता कि घर में क्रिकेट के बहुत पड़े होंगे तो सबसे खास, सबसे खास ऐसी दिया हो या ऐसी क्या चीज़? पहली अचीवमेंट जो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था उसका मैन ऑफ दिए दो हजार 2009 की वर्ल्ड कप की हमें श्रीलंका का इंसिडेंट हुआ था पाकिस्तान के अंदर तो हमारी क्रिकेट खत्म हो गई थी तो वो जीत इंग्लैंड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट थी तो उसके दोनों सेमीफाइनल और फाइनल के मैन ऑफ द मैचेस उसकी अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट से मेरे इम्पोर्टेंट तो है छोटी मोटी चीजें छोटी मोटी चीजें टूर अगर कभी करना हो तो करवा देंगे बिल्कुल बिल्कुल जी आप लोग भी चाहेंगे देखना हम स्पेशल एक सेगमेंट करेंगे तो शायद भाई आपने शाहीन को हार्ड हिटिंग सिखाई और उन्होंने परफॉर्मेंस भी कमाल ही दे दी तो आपको लगता है इसकी वजह से उनकी हो सकती है। नहीं होनी चाहिए सबसे पहले होगा अगर आपकी बॉलिंग नहीं हो रही और आप दो तीन छक्के तो है सबसे पहले फोकस उसकी बॉलिंग है एंड देन हाँ जहाँ जरूरत है माशाल्लाह से शौकीन है बैटिंग करने का शौकीन है तो शौक ही इंसान के अंदर जो है वो जज्बा पैदा करती है ज्यादा प्रैक्टिस करने की तो वो एक आधा सेशन मेरे साथ किया था सिर्फ जो बेसिक्स थी जो मैं समझता हूँ कि हम भी गलतियां करते थे लेकिन ये कि आप जूनियर को जब कोई ऐसी बात करते हो तो जिससे उसको फायदा हो बिल्कुल जिससे आप नहीं कर पाए लेट आपको समझ आई वो चीज़ अगर वक्त पे चीज़ों उनको समझ आ जाए क्योंकि इस टाइप की कोचिंग होती नहीं है बिल्कुल हमारे यहाँ सिर्फ कोचिंग ये होती है यार जाना अपनी बैटिंग करना छक्के मक्के मारना लेकिन आउट नहीं होना ये समझ नहीं आती बात मजे मजे की बातें तो चलती रहेंगी लेकिन एक ब्रेक लेना जरूरी है दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन क्या कर सकते हैं ऐसे जाए और ऐसे आए बट की बातें हो रही हैं। जरा कुछ और सवाल पूछते हैं शायद भाई से। <laughs> दोस्ती प्रोफाइल सेगमेंट की तरफ चलते हैं जहां शायद भाई अपने कुछ दोस्तों की दोस्ती प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे बेस्ड ऑन हाउ मच ही नोज देम तो दोस्ती प्रोफाइल स्क्रीन्स पर लेकर आए शायद भाई के साथ मेरा नाम अब्दुल रजाक है पर टीम में सारे मुझे डैश बुलाते हैं। मैं तो इसको चुन्नी बाबू बुलाता था <laughs> चुन्नी बाबू और कुछ इसको सिपाही भी कहते थे सिपाही सोल्जर सोल्जर तो पहले चुन्नी बाबू की वजह क्या थी चुन्नी बाबू की वजह नहीं थी बस वो नाम इसके ऊपर सूट कर रहा था मुझे उन्हीं दिनों में वो फिल्म भी आई हुई थी चुन्नी बाबा का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था अच्छा हाँ देवदास, हाँ इसको मैंने कभी गुस्से में देखा नहीं है वैसे कभी नहीं देखा अच्छा आपका इनके साथ प्यार मोहब्बत भी बहुत इसके है। साथ मैंने मेरा बहुत टाइम गुजरा है बहुत ऑस्ट्रेलिया में हम अस्सी दिन का टूर था तो मैं और ये जब रूम शेयर करते थे रूम हमारे अलग होते थे लेकिन बीच का दरवाजा हम खोल के सोते थे तो एक दूसरे को लगता था नहीं मैंने पंजाबी जो मुझे आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुई है वो इसकी वजह से हुई है क्योंकि ये मुझे सारे स्टेज ड्रामे दिखाते था कमरे में निकलने देता नहीं था और ये सारे स्टेज के ड्रामे मुझे कहीं नहीं जाना सीढ़िया पाकिस्तान से लेके पाकिस्तान से सीढ़ियाँ लेके जाता था पूरा इसने जो है ना वो एक केस बनाया हुआ होता था तो फिर आपको वापस स्टेज फिर झुकते झुकते सारी वहां से अच्छा मुझे वो स्टेज ड्रामे, क्योंकि इसकी वजह से शुरू किया तो मुझे वो अमानत वाला रोल बहुत पसंद है वो कोई ऐसी गंदी जोक्स नहीं करता अच्छी करता था मजा आता था उसकी बहुत पंजाबी मैनु आंदी है स्टेज ड्रामे ऑस्ट्रेलिया क्या बात है एक चीज जिसके बगैर मैं नहीं रह सकता वो है पालक के बगैर पालक हाँ बहुत शौक से खाते हैं और खिलाते भी दुनिया जहां का खाना नेमतें पड़ी होंगी लेकिन इसको पाले की याद आएगी <laughs> उसके इसको किसी ने कहा है कि उसके अंदर वाकी बहुत ताकत होती है है तो मेरा भाई छोड़ते नहीं जहां जाता है पालक ढूंढ रहा होता है मैंने कहा खेत खरीद ले <laughs> पालक लगा के रख पालक, खुद पालक साथ लेके रहो वेरी गुड प्रैक्टिस के मामले में प्रैक्टिसनल इसलिए तो नंबर वन रहा है बेशक क्रिकेट के अलावा एक ही शौक है और वो है स्नोकर शौक से खेलता है, अच्छा। शौक से खेलता है। इसकी वजह से मुझे इसका भी शौक हो गया था स्नोकर खेलने का मजा आता है इसके साथ हो ना सामने आप जल्दी सीख भी लेते हो वेरी नाइस तो आज हमें ये भी पता चल रहा है कि और कौन कौन सी हैं जो शायद भाई को पसंद है मैं डैश शेयर करना पसंद नहीं करता खाना नहीं ना, और पालक हो तो जेब में आप इसकी प्लेट में कुछ हो अच्छा ये इसकी आदत है अगर इसका खाना लेट भी ऑर्डर आता था ना तो हम खा रहे होते तो ये इंतजार करता था ये नहीं कि हमारी प्लेट में से भी खा रहा और इसकी प्लेट में पड़ा हो अगर किसी ने गलती से भी ले ली है ना अगर कुछ कहेगा नहीं तो एटलीस्ट यूं करके लाजमी देखेगा वो भी काफी है राजाक भाई मिस यू आई जी नेक्स्ट कौन है हमारे ये बहुत मजे के आज तो बहुत मजे के ओए, 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 ओए। मेरा नाम शुएब है पर टीम में सारे मुझे पूरे पूरा ये रोल कर सकते हैं गुंडे का पिछले दिनों में तो ये, ये बहुत गाना बड़ा अच्छा गाते है इसकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है बहुत प्यारी आवाज है ये नहीं हमें यूट्यूबर भी बड़े बन चुके हैं बिल्कुल बिल्कुल अगला पी शुएब भाई का हम कहेंगे गाय ग्राउंड में सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे तब आता है जब जब दो ओवर के बाद ये थक जाता है <laughs> <laughs> फिर खुद ही अपने आप पे गुस्सा करना शुरू हो जाता है। है नहीं शेबी जो है वो गुस्से में बैट्स के साथ कभी कभार इस तरह के बॉलर्स होते हैं बॉलर्स ये तो काफी अग्रेसिव था पेस थी सारा कुछ था बैट्समैनों को डरा के रखा हुआ था इसने तो कोई बैट्समैन अगर इसको शॉर्ट वॉट मारता था तो थोड़ा सा फिर आपने आपको दिखाता था कि मैं हूं मैं और थे भी अच्छी बात थी बिल्कुल बिल्कुल एक चीज जिसके बगैर मैं नहीं रह सकता वो है एक चीज जिसके बगैर ये नहीं रह सकता बहुत सारी चीजें हैं इसकी वैसे तो लेकिन ये है कि इसको शौक है ब्रांड्स बनाने का हाँ <laughs> अच्छा माशाल्लाह ऑन्टरप्रिनोरियल स्पिरिट इनका जो बिजनेस हाँ। और एक सोच इसकी हाँ। बहुत अच्छी सोच बहुत अच्छी सोच है कि तो सोच, सोच भी अच्छी है दिल का भी अच्छा बंदा है बिल्कुल नहीं नहीं वाकई प्रैक्टिस के मामले में मैं डैश हूँ बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं

कह सकते हैं <laughs> क्या मैं तो लगता है सोसाइटी पाकिस्तान में सिर्फ एक काम रह गया हाँ। है ना, तो और जो बंदा कोई एक काम शुरू करता है सारे वही शुरू कर देते हैं बिल्कुल हाँ। बिल्कुल हाँ। ऐसा ही है मैं डैश शेयर करना पसंद नहीं करता कोई रूममेट रूमेट नहीं वजह हो सकती है ये बूम बूम का खिताब आपको किसने दिया रवि शास्त्री ये रवि शास्त्री अच्छा मुझे भी नहीं

और इन्होंने भरपूर हिस्सा डाला इतनी मज़े मज़े की हमें बातें सुनाई हमारे साथ अपने लाइफ लेसन शेयर किए और आपको पता है जो हमारा आखिरी सेगमेंट होता है उसका नाम है ग़ौर करो जिस सेगमेंट में हम गौर करते हैं माशरे की कि किसी ऐसी तलख हकीकत पर जिसको हमारे गौर की ज़रूरत है लेकिन आज गौर करो के सेगमेंट में मैं बात करना चाहूँगा शाहिद भाई की फाउंडेशन के बारे में शाहिद अफरीदी फाउंडेशन जो पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो चलते हैं ग़ौर करो सेगमेंट की तरफ पाकिस्तान में कुछ ऐसे सितारे हैं जिन्होंने बैन अवी सतह पर नाम और इज्जत कमाई बल्कि अनगिनत दिलों में एक जगह नहीं घर बना लिया जब आपकी फेम और इन्फ्लुएंस इस लेवल तक पहुंच जाती है कि लोग आपको अपना रोल मॉडल समझें और आपके तरीकों से मुतासर हो जाएं, देन विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी एक ऐसा सितारा जिसने सालों से पाकिस्तान का सितारा अपनी जर्सी पे फख्र से पहना द लेजेंडरी स्पोर्ट्समैन शाहिद अफरीदी इज हेयर लाला ने ना सिर्फ क्रिकेट की फील्ड पर अपना जलवा दिखाया बल्कि एक परफेक्ट रोल मॉडल बनते हुए शाहिद अफरीदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी और लोगों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया एस का कोर मैसेज पे है होप इंश्योर्स देर इज लेस डार्कनेस एंड मोर लाइट लेस डार्कनेस ऑफ एंगर रिवेंज, रिटेलिएशन इस खूबसूरत थॉट को 2014 से शाहिद अफरीदी फाउंडेशन ने ग्रो किया और हेल्थ एजुकेशन एक्सेस टू वाटर स्पोर्ट्स इमरजेंसी रिलीफ रिस्पॉन्स में इम्पैक्ट क्रिएट किया आज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दस और ममालिक में शाहिद शाहिद्रीदी फाउंडेशन की प्रेजेंस है यूएसए यू के ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका मैं सिर्फ इसलिए आना चाह रहा था कि मैं उन एरियाज में जाना चाहता हूं जहां पर आपकी कोई चैरिटी काम नहीं करती बलोचिस्तान के पी के सिंध सिंध में भी काफ़ी काम किए लेकिन ज़्यादातर चैरिटीज सिंध ईजी एक्सेस है बलोचिस्तान के पी के पंजाब साइड में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर चैरिटी काम नहीं करती तो मैं उन एरियाज़ में पहुँचना चाहता हूँ जहाँ कोई नहीं जाता मदर मदर एंड चाइल्ड की फैसिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एक औरत के लिए तीन तीन, तीन चार चार घंटे की ड्र, ड्र, ड्राइव करके आना हॉस्पिटल के लिए बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हमारी प्रेग्नेंट खातून है वो उनके लिए एक अच्छा माहौल होना चाहिए डिलीवरी की अच्छी जगह होनी चाहिए तो वो एक माहौल देना था एक एंड uh, देन uh, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो सात सात आठ आठ किलोमीटर पैदल जाके सिर्फ एक मटका पानी लेके आते हैं अपने लिए हम तो मिनरल वाटर पियेंगे आधी बोतल पियेंगे आधी छोड़ देंगे शावर लगा हुआ है तो चलता रहेगा मजे करते रहेंगे पानी की कदर उन लोगों से पूछे कि पानी होता क्या है छः सात किलोमीटर सिर्फ ज़मीन पर चलना नहीं है छः सात किलोमीटर पहाड़ क्रॉस करके वहाँ से बच्चे और बच्चियाँ एक मटका पानी लेके आती हैं तो मेरा मेन मकसद उन लोगों तक पहुंचना था जिसकी वजह से मैंने फाउंडेशन का काम शुरू किया तो जी बात यह कि सितारे भी आपकी तरह इसी ज़मीन पर चल रहे हैं तो मुतासर होना ही है तो उनके अच्छे पॉजिटिव अमालों से मुतासर होएं। इस बात पर गौर करें और मिलकर लेट्स मेक द बेटर प्लेस शुक्रिया मिलते हैं आपसे दी के अगले एपिसोड में थैंक यू